के सबसे बड़े बार एसोसिएशन गुरुग्राम में आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 पदों के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव का रिजल्ट भी आज शाम 6 बजे तक आ जाएगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम बार एसोसिएशन के लिए 4 पद हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी है। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है, उपाध्यक्ष के लिए भी 4 उम्मीदवार है, वहीं सेक्रेटरी के लिए 3 और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। सभी पदों के लिए कुल 13 उम्मीदवार हैं जो बार चुनाव मैदान में हैं। गुरुग्राम बार एसोसिएशन का चुनाव ईवीएम से हो रहा है। आज शाम को ही मतगणना की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा और चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 17 सदस्यों की टीम बनाई गई है, जो पूरे चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ये चुनाव हो रहे हैं, किस चीज को लेकर चुनाव हो रहे हैं? ये चुनाव जो वार्षिक चुनाव होते हैं हमारे गुरुग्राम बार एसोसिएशन के, जो पूरे हरियाणा पंजाब में आज सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ये उसी को लेते हुए आज ये चुनाव हो रहे हैं। उसमें कितने कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट देखो, प्रधान पद पे 4 कैंडिडेट हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे 4 हैं, सेक्रेटरी पे 3 हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी पे 2 हैं। तो आपकी क्या क्या मांग है और कोर्ट के अंदर क्या समस्या है? और मांग सबसे पहले मैं सरकार से ये थी कि यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच है, वो अब तक आया नहीं है। और सरकार से ये मांग थी कि 2 साल से सरकार ने कोई भी निजी कोष में जो बार के अंदर जो पैसा दिया है वो अब तक दिया नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली बॉडी इस चीज़ को देखते हुए सरकार हमारी हेल्प करे, सरकार हमारी बार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने काम करेगी। तो आपके जब गुड़गांव कोर्ट के अंदर ऐसी क्या मेन बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर जो अभी तक हुई नहीं है? ऐसी कुछ नहीं होती, मेन समस्या तो बार बेंच की है हमारी। और हमारा मेन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती हैं बार के अंदर, जो बार की सीट्स हैं, बार का जो चैम्बर्स हैं, इसको लेके वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हैं जो वकीलों का सामना दिन पर दिन करना। तो जो हाई कोर्ट की जो बेंच जिसके लिए आपने सरकार से कहा गया, कितने साल से अभी रुकी हुई है? जो 5-6 साल हो चुकी है इसको, क्योंकि हरियाणा पंजाब की सबसे बड़ी बार है गुड़गांव, और अब तक इस पर भी ध्यान ना दिया। तो हम आशा करते हैं कि आगे हो कुछ ऐसा। तो आपको क्या लगता है क्या अब ये जो आप मांग है सरकार से अब हो पाएगी? नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम सरकार को हमने नोट दिया हुआ है, सरकार को हमने लिखित में भी दिया हुआ है, हम पहुंचे भी हैं, बार काउंसिल ने भी दिया हुआ, पर आगे देखिए क्या होता है, हम उस पर उम्मीद करते हैं। नाम क्या आपका? नवीन शर्मा। थैंक यू। अरे सरकार की एक बार मैं अपने सभी भाइयों के लिए जो जो मोस्ट प्रॉब्लम है सब दूर करने की कोशिश करूँगा। जैसे चैम्बर्स की है, सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है, उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। और सीटिंग की प्रॉब्लम है, चैम्बर्स की है, क्लिनिक की है, क्लिनिक बहुत कम है हमारे लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारी प्रॉब्लम दूर करूँ, अपने वकील भाइयों के लिए 24 घंटे साथ खड़ा रहूँ, तन मन धन से अपने बार के सभी मेम्बर्स की सेवा करूँगा।